मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में बाज़ारों में खास करके मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। ग्राहक मिठाई खरीदते समय वहां काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य से अनजान रहते। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए ठाणे महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कर्मचारियों का जांच परीक्षण भी अब शुरू कर दिया है, जिससे नागरिकों को स्वस्थ मिठाई खाने को मिले। त्योहारों में अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कहा है कि यह जांच अब शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हाल के वर्षों में ठाणे महानगर पालिका की सीमा के भीतर तपेदिक रोगियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। यदि संक्रमण के पहले कुछ दिनों के भीतर बीमारी का पता चल जाए तो इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है, इसलिए ठाणे महानगर पालिका ने अब इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। क्षय रोग 100% इलाज योग्य बीमारी है और इसके प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष ठाणे महानगर पालिका की सीमा में 8,500 से अधिक तपेदिक रोगी पाए गए, जिनमें 14 लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 10 माह में 7,556 मरीज मिले हैं, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आगामी दिवाली के कारण मिठाई की दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और यदि कोई कर्मचारी संक्रमित है तो ग्राहक भी संक्रमित हो सकते हैं। इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए ठाणे महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार से शहर की दुकानों में तपेदिक रोगियों को खोजने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए 8 लोगों की टीम तैनात की गई है और दुकान में ही कर्मचारियों के एक्सरे लेने के लिए पोर्टेबल मशीन उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जहाँ वे काम कर रहे हैं वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी बीमारी के बारे में जानकारी देकर अवगत कराया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रसाद पाटिल ने बताया है कि कर्मचारियों का परीक्षण करने के बाद उस दुकान पर टीबी फ्री शॉप का स्टिकर भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी क्षय रोग विभाग के ठाणे महानगर पालिका के डॉक्टर प्रसाद पाटिल और प्रशांत कोरोनर मिठाई वाली दुकान के जो मालिक है उन्होंने क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। आपका पूरा नाम बताइए सर। मेरा पूरा नाम डॉक्टर प्रसाद पाटिल है, मैं फेफड़ो का डॉक्टर हूँ और ठाणे शहर का शहर क्षय रोग अधिकारी भी हूँ। तो ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रीजन में जितने भी हमारे पेशेंट्स आते हैं या सस्पेक्टेड केसेस आते हैं उनका ठीक से इलाज करना हो या उनकी तरफ सारा सोई सुविधाएं उपलब्ध करके देना हो, ये सारी जिम्मेदारी आरोग्य विभाग की तरफ से हम देखते हैं। आज हम लोगों ने एक नया उपक्रम यहाँ पे चालू किया है, टीबी फ्री शॉप। तो टीबी फ्री शॉप पे जैसे हम सबको पता है कि अभी दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो दिवाली के मौके पे सारे मिठाई की दुकानों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग खरीदी करने के लिए आते हैं। तो जो खरीदी करने के लिए आने वाले लोग हैं वो एकदम से निर्धास्त होकर आ सके, इसलिए ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रीजन में जितने भी जगह पे अपने मिठाई के दुकान हैं उनमें काम करने वाले सारे के सारे कर्मचारियों की हेल्थ चेकअप यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया है। ये हेल्थ चेकअप में हम मेनली करने वाले हैं कि एक हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन के द्वारा हम उनका छाती का एक्सरे लेंगे, जैसे कि जहाँ से हमको इमिडिएटली विदिन 1 से 2 मिनट में पता चल जाएगा कि अगर कोई भी प्रकार की फेफड़े की बीमारी उस कर्मचारी को है तो वो तुरंत पता चल जाएगी, ताकि उस बीमारी अगर वो किसी कर्मचारी को है तो उससे वो कोई भी खरीदी करने आने वाला जो नागरिक है ठाणे का उनको ना हो। इसके लिए हम लोग ये क्षयमुक्त ठाणे भयमुक्त ठाणे ये योजना शुरू की हुई है और इसी में हम लोग अभी पहले आए हुए हैं प्रशांत कॉर्नर में। प्रशांत कॉर्नर के मेन फैक्ट्री में अभी हम खड़े हैं, यहाँ के सारे जितने भी कर्मचारी है उनका भी जाँच शुरू है। हम लोग ऐसे ही करके ठाणा में जितने भी बड़े बड़े स्वीट्स के शॉप्स हैं उन सभी कर्मचारियों की भी टेस्टिंग जरूर है। ये मशीन के बारे में बताइए, जो मशीन आप यूज कर रहे हैं ड्राइव के बाद एक सर्टिफिकेट आप जारी कर रहे हो, सर्टिफिकेट क्या है? जी, ये मशीन के द्वारा हम जैसे ही एक्सरे निकालेंगे वो मशीन से हमें विदिन 2 मिनट के अंदर में पेशेंट के एक्सरे में कोई भी बीमारी हो तो इमिडिएटली पता चल जाती है और उसके हिसाब से अगर कोई भी कर्मचारी को किसी और प्रकार की तकलीफ है तो उसके हिसाब से भी हेल्थ चेकअप किया जा रहा है।
ये सब होने के बाद में अगर कोई भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की बीमारी मिली नहीं हमारे जांच में, तो आरोग्य विभाग की तरफ से हम उनके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसमें वो टीबी फ्री शॉप करके कहा जाएगा और वो सर्टिफिकेट हम उस हर एक मिठाई शॉप को इशू करेंगे। सर आपको पूरा नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रशांत भूपेंद्र सकपाल, प्रशांत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। सर जी, एक महापालिका ड्राइव शुरू है जिसमें वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपके वर्कर्स की चेक कर रहे हैं, क्या लगता है ये चेक किस तरीके से कर रहे हैं? नहीं, इसको हम कार्रवाई नहीं बोलेंगे, कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे महापालिका में पूरा इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये सब हेल्थ वाइज चेक करना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा, कोई भी किसी भी दुकान में कोई भी कंपनी में अगर कोई डिफेक्टिव है, किसी को टीबी है या कुछ भी बीमारी है, उसकी जांच करना महापालिका का अधिकार है। और महापालिका ये पहली बार हो रहा है, पूरा इंडिया में पहली बार हो रहा है, मैं तो ऐसा देखा नहीं ऐसे कोई होता है, मगर बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब महापालिका को सपोर्ट करेंगे, हम लोग धन्यवाद बोलेंगे महापालिका के लिए। और ग्राहकों की हमारी इतनी देख रेख हो रहे हैं, थाने सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए महापालिका कितनी काम कर रही है, क्योंकि हमारे सरकार ने, हमारे सिंधी सरकार ने बोला ही है कि भाई डॉक्टर तुम्हारे घर पे या दवाखाना तुमचा दारी, ऐसा बात है, वो सच है। आज हमको पता चला कि सचमुच ये दवाखाना अपने दरवाजे पे आया है, हम उसका फायदा लेना चाहिए। हमारे सब कर्मचारियों को हम लोग उसमें दे रहे, सब कर्मचारियों को चेकिंग कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ कर्मचारी हमारे बीमार लगेंगे उनको बाजू में करेंगे, उनकी दवाई दारू जांच करके चालू करेंगे।